नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सागर में बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा शराब व्यवसायी कमलेश साहू के बियर बार का प्रशासन द्वारा मारे गए छापे का मामला तूल पकड़ने लगा है। मामले को लेकर जहां प्रशासन कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, वहीं कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। मामले को लेकर कांग्रेसजनों ने स्थानीय कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा घटनाक्रम को बदले की कार्रवाई बताते हुए कलेक्टर से जांच की मांग की। कांग्रेसियों का आरोप है कि स्मार्ट बार पर की गई कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार के इशारों पर कांग्रेसजनों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री तथा देवरी विधायक हर्ष यादव ने कहा कि आगामी उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, इस वजह से बौखलाकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए जिला कलेक्टर प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराते नजर आए। बात कमलेश की नहीं है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, चाहे वो सड़की की बात हो तो चाहे मध्य प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में आसन हार को देखते हुए जो हमारी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से निंदनीय है और जनता देख रही है और समझ रही है। एक हम लोगों के यहाँ कहावत है, अब कहावत कहना उचित नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं गलती भी करना और आंखें भी दिखाना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। आने वाले सुर्खी चुनाव को जनता सबक सिखाने के लिए बैठी है और ये भी तय है कि पूर्व जो है पूर्व ही रहेंगे और वर्तमान आने वाले होने वाले नहीं हैं। उसी डर और खौफ की वजह से इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। आसन ने हार बोला, आपने कांग्रेस जीत मान रही है, सुनिश्चित? सुनिश्चित है, हम लोग एक बार पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाले हैं। सरकार ही बनाएंगे कि सुर्खी जीतेंगे? सरकार बनाएंगे, सुर्खी भी जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। भाई साहब, SDM संतोष चंदेल पर आरोप है कि गोविंद ही उन्हीं की पोस्टिंग करके लाए थे, अभी ट्रांसफर भी उन्हीं ने रुकवाया, क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं जो आपने कहा आपके मुँह में घी सककर, ये जनता भी जानती है, प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं और जिस तरह से जिन्हें SDM का आपने उल्लेख किया, जो कृत्य लंबे समय से किए जा रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। उन पर कोई कार्रवाई की मांग करेंगे या कलेक्टर से बात नहीं किया? कार्रवाई की मांग करेंगे, चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे। सरकार से तो हमें उम्मीद है नहीं, मगर चुनाव आयोग को हम जरूर लग के बोलेंगे। बात यही थी कि जब सैटरडे संडे को लॉकडाउन था तो सागर शहर में स्थित एक बार में पीछे के दरवाजे से शराब पी जा रही है। ये शिकायत प्राप्त होने पर SDM सागर के नेतृत्व में एक दल भेजा गया था। उस दल ने जांच की और ये पाया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करके एक बार जो है संचालित पाया गया। उसमें SDM के नेतृत्व में पुलिस और एक्साइज विभाग के द्वारा FIR दर्ज करके और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एक हमें ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनका ऐसा कहना है कि वो बार के जो संचालक हैं वो पर्टिकुलर किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, इसलिए कार्रवाई हुई है। उनका जो आवेदन है उस पर भी एक वरिष्ठ AGM स्तर के अधिकारी से जांच कराई जाएगी और जहां भी हम इस तरह का पाएंगे कि लॉकडाउन के किसी आदेश का उल्लंघन हो रहा है या 144 के ऑर्डर का कोई उल्लंघन हो रहा है या कहीं अवैध शराब या इस तरह के कोई अवैध कार्य हो रहे हैं तो उस पर भी हम कड़ाई से कार्रवाई करेंगे। सर, SDM संतोष चंदेल पर कुछ आरोप लगाए कि वो मंत्री के सपोर्टर हैं कांग्रेसियों में, दुर्भावना भूषण ने कार्रवाई की है SDM सर? अधिकारियों की कार्रवाई तो निष्पक्ष होनी चाहिए और निष्पक्ष है भी, और अब चूँकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन रहेगा तो न्यायालय से जो भी निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंगली। इसकी चुनाव के लेके क्या रणनीति है? 100% जनादेश हम लोगों के साथ है। जनता जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, जिस तरह से मतदाताओं को बेचने का काम सुर्खी में किया गया, जो भाव दिखा है और आज जनता बोल नहीं रही है, चुप है, मगर वो तैयार बैठी है। जिस दिन मतदान होगा उस दिन परिणाम हमारी पार्टी के पक्ष में होंगे। मध्य प्रदेश 2 राजस्थान में दोहराया जा रहा है, क्या मानते हैं आप? ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, कई प्रदेशों में लगातार इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम, संविधान के विरुद्ध काम कर किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता भी जान रही है और समझ रही है, मूक दर्शक बनी है। आज माहौल उड़ाया जा रहा है संविधान का, लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है। आने वाले समय में
मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ जहाँ भी चुनाव हुए वहाँ जनता नकारात्मक रूप से तैयार बैठी है मोदी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ। पहले वोट खरीदी जाती थी, अब सीधा विधायक खरीदे जा रहे हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। कैसी लड़ेगी कांग्रेस इससे? हम लोग अपने सत्ता के आधार पर गांधीवादी जो हमारी विचारधारा है उस पर जनता की साथ, जनता का हम लोग साथ है, विश्वास है, और निश्चित रूप से जनता ने विश्वास व्यक्त किया था 2018 के चुनाव में, वो वचन जो अधूरे रह गए जनता तैयार बैठी है कि वो हमारे वचन पूरे होंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी की सरकार। उपचुनाव करवाएंगे या मध्यावधि? हम लोग तो दोनों के लिए तैयार हैं, शिवराज सिंह में दम हो तो मध्यावधि चुनाव करवा के दिखाएंगे। आप लोग जानते हैं कि सागर जिले में सुरखी विधानसभा में चुनाव होने वाला है और हम लोगों की पूरा प्रयास रहा है कि हम लोग यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से लड़ें और अपने कैंडिडेट को जिताएं। मगर देखा ये जा रहा है विगत एक डेढ़ महीना हो गए, यहाँ के जो भूतपूर्व मंत्री भी थे और वर्तमान में भी वही मंत्री बन गए गोविंद राजपूत, वो चाहते हैं हम लोगों को उकसाना चाहते हैं, हम लोगों से चाहते हैं कि किसी प्रकार का झगड़ा हो, फसाद हो और लोगों के बीच में एक खटास पैदा हो। मैं हम लोग उस चीज़ को बचाना चाहते हैं, मगर गोविंद राजपूत पिछले भी महीने में उन्होंने दिलीप पटेल के ऊपर ऐसी शराब बंद रखवा कर केस बनवाया, कई लोगों की दुकानें बंद कराई, उनके ऊपर लाइसेंस कैंसिल कराए, और अभी दो दिन पहले कमलेश साहू चूँकि उनके क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे कांग्रेस का और उसको लेके उन्होंने उनके प्रतिष्ठान पर जो कि एक बार है और बार विगत तीन महीने से बंद है उसमें सील लगी हुई है, वहाँ पर संतोष चंदेल गए, उन्होंने सील तोड़ी, वहाँ पे ज़बरदस्ती अपनी तरफ से शराब रखी और केस बनाया। ये तरीके की बर्बरता कैसे चलेगी? जबकि सिटी मजिस्ट्रेट को भी वहाँ जाना चाहिए था, आबकारी विभाग को भी जाना चाहिए था, वो कोई नहीं गया, एक बार था वो। मगर इस प्रकार की कार्रवाई निश्चित रूप से दमनकारी कार्रवाई है और इसके लिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आपके सामने आए हैं और आप उस चीज़ पे संज्ञान लें और तुरंत वह केस भी वापस करें, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने अभी 10 दिन पहले कहा था कि जो भी अधिकारी अगर गलती करेगा तो सस्पेंड नहीं होगा, सीधा बर्खास्त होगा। हमारी डिमांड है कि संतोष चंद्रेल जी को